हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन 2022 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन अपडेट हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड और पीएचडी और बीएससी एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023, आप सभी के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। देन स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन आप सभी को पीएचडी का ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को इस 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। ओके, करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एडमिशन नोटिस के जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गरही न्यू दिल्ली 11006। ओके, एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2022। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम बैच कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2022 थ्रू एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री ऑन संडे 8 जनवरी 2023। यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए उसका डेट है 8 जनवरी 2023। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपसे एक बता देता हूँ, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में और मास्टर्स डिग्री में अगर 55% मार्क्स है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, और रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास अगर मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स भी है तो भी वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट में देख सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, टोटल 2 स्टेजेस में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कराया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू और वाइवा। ओके, एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज यहाँ पे 70% रखा गया है और इंटरव्यू और वाइवा का वेटेज 30% रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया, जैसे देख सकते हैं 50% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रखा गया है। ओके, यानी कि 50% मार्क्स आप सभी सिक्योर करना पड़ेगा अगर आप सभी इंटरव्यू के लिए अगर क्वालिफाई होना चाहते हो तो। ओके, और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया 5% का, उन सभी को एटलीस्ट 45% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट में तो ही वो सभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फी यहाँ पे दिया गया है ₹1000, जो कि आप सभी को क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू से पेमेंट करना है। ओके, ₹1000 सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे देख सकते हैं एविलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन 20 नवंबर 2022, नेक्स्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21 नवंबर 2022, देन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2022। यानी कि 21 नवंबर 2022 से लेके 20 दिसंबर 2022 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं 8 जनवरी 2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को बैक ऑप्शन पे चले आना है, देन डाउनलोड ई प्रोस्पेक्टस के जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए। करने के बाद में इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोचर है ये। ओके, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2022 पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं
फॉर क्वायरीज एप्लीकेंट्स में कॉन्टेक्ट, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप सभी इज गिवेन कॉन्टेक्ट में, आप सभी यहाँ पे मेल आईडी भी दिया गया, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया, इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप सभी को पहले बता दिया है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर और भी डिटेल्स में दिया गया, स्टेज वन एंट्रेंस टेस्ट, ओके स्टेज टू इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन कर दिया गया है, ₹1000 नॉन रिफंडेबल रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज आई हुई है। ओके उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर्स यहाँ पे दिया गया है। ओके सीरियल नंबर दिया गया है, देन आरसी कोड, देन सेंटर कोड, देन एग्जाम सिटी यहाँ पे दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके आप सभी अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा नियरेस्ट। ओके यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, देन यहाँ पे स्कूल मेंशन कर दिया गया है। ओके देन डिसिप्लिन, देन पीएचडी वैकेंसीज, देन नेम ऑफ प्रोग्राम और कोऑर्डिनेटर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, देन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ एनी यहाँ पे दिया गया है। ओके मैं सिर्फ डिसिप्लिन यानी कि डिपार्टमेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ही मेंशन करूंगा, अदर डिटेल्स आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6। ओके कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सोशियोलॉजी में है 11, देन हिस्ट्री में है 10, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है 25, देन साइकोलॉजी में है 14, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7, देन थिएटर आर्ट्स में है 5, देन फाइन आर्ट्स में है 5, देन डांस में है 4, देन कॉमर्स में है 12, देन मैनेजमेंट में है 14, एजुकेशन में है 22, डिस्टेंस एजुकेशन में है 15, देन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में है 5, देन इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में है 10, देन डेयरी साइंस में है, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 4, देन डेवलपमेंट स्टडीज में है 10, देन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट स्टडीज में है 18, देन कंप्यूटर साइंस में है 7, देन नर्सिंग में है 5, देन फ्रेंच में है 3, वोकेशनल ट्रेनिंग में है 12, हिंदी में है 13, चाइल्ड डेवलपमेंट में है 8। नेक्स्ट होम साइंस में है 5, रूरल डेवलपमेंट में है 3, सोशल वर्क में है 25। ओके टोटल देख सकते हैं 27 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। ओके आप सभी वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरियस डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया है। ओके पूरा सिलेबस यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं नंबर 1 में दिया गया इकोनॉमिक्स के लिए। ओके देन यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 पे पीएचडी इन सोशियोलॉजी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। ओके नेक्स्ट आप सभी अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, सबसे पहले आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर कर देना है, देन पासवर्ड एंटर करना है, करने के बाद में ये जो कैप्चा वेरिफिकेशन कोड है इस बॉक्स पे एंटर कर देना है, देन लॉग इन हो जाना है। हो जाने के बाद में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। ओके तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है, अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसकी रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वारी
में कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके का हायर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।